आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, सिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से शहर के सभी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में अनाज वितरण किया जा रहा है। इसी के उपरांत में आज रानीगंज के उर्दू जूनियर मदरसा स्कूल में भी दाल चावल चना मास्क और साबुन बांटा गया। रानीगंज उर्दू जूनियर मदरसा स्कूल में भी 177 रजिस्टर्ड बच्चों को अनाज वितरण किया गया। स्कूल के टीचर इंचार्ज आरिज जलीस का कहना है कि ये कार्य कई दिनों तक चलेंगे और इसके लिए हम बंगाल सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। प्राइमरी सेक्शन आज मिड डे मील में जो बच्चों को कई महीनों से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से चावल चना आलू जो दिया जा रहा, हमारे स्कूल में भी दिया जा रहा, 171 बच्चे यहाँ रजिस्टर्ड है उनको दिया जा रहा है, कई दिनों तक चलेगा। इस बार मास्क भी दिया जा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का शुक्रिया। आरिज जलीस। बुधवार आसनसोल नगर निगम वार्ड 62 में तृणमूल कांग्रेस का एक सभा का आयोजन किया गया। सभा का नेतृत्व भोलू खान द्वारा किया गया। सभा में कोल्टी ब्लॉक के नए सभापति विमान आचार्य को सम्मानित किया गया और साथ ही अन्य तृणमूल कांग्रेस नेताओं को भी सम्मानित किया गया। সম্বর্ধনা জানাতে মানে তারা চাইছে, কারণ তারা প্রথম থেকেই দেখছে বিমানাতে যে লোক ভালো। আমি নিজেই বলছি আমি লোক ভালো, আমার মনের মধ্যে পাপ ফাপ নাই, উপরে এক কথা বলে ভিতরে এক কথা বলে এটা আমার নাই। সেই জন্য আমি সদাসপ্রা গ্রামের লোক, আমি চাই মেন আমার লক্ষ্য যে 2021 মমতা ব্যানার্জি আবার মুখ্যমন্ত্রী হোক এবং উজ্জ্বল চ্যাটার্জি আবার এমএলএ হোক। দাদা এটা আমার মেন, আমার সম্বর্ধনা মানে কি সম্বর্ধনা মানে কারণ ফুলের তোড়া দিচ্ছে, সম্বর্ধনা মানে আমাকে ভোট দেবে। দাদা আসানসোল যে সাংসদ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট বাবু সুপ্রিয় কহনা হয় জলি জলি ঘুম কর ভোট মাঙ্গা টিএমসি কা ইয়ে শোভা নেই দেতা, ইস বিষয়ে দাদা আপ কি? গলি গলি মে ভোট নেই মাঙ্গা তো কে হামকো ঘর মে সুত কে ভোট দেগা? বাবু সুপ্রিয় জো বলতা বলতা।